मैंने राखी सेलिब्रेट नहीं की अपने भाई के साथ। बांध रही हूँ। हाय शु, दिखा तेरी ड्रेस। अच्छा जे जे। वो तो ऑनलाइन ही होता है, मीशो तो मीशो है। मेरी वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल और न्यू वीडियो। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है ना, वो सच में बहुत अमेजिंग होने वाला है, तो उसको देखने के लिए लास्ट तक बने रहना। गोलू के स्कूल में रक्षाबंधन सेलिब्रेशन है, सो उसको मतलब पार्टी टाइप्स बुलाया उन लोगों ने कि फेस्टिव वाली ड्रेस बनानी है, फेस्टिव वाला उसको लंच बॉक्स देना है और वो सब एंड ऑल दैट। सो चलिए फिर फटाफट से नहा धो लेते हैं और उसकी बात करती हूँ मैं आप लोगों से बात। सो गाइस, मैं नहा धो ली, नहा धो के आ गई हूँ और मैंने खाने की भी मतलब सब्जी बना दी है और आटा लगा के रखा है। इसके लिए थोड़ा सा हलवा बनाऊंगी सिर्फ गोलू गोलू के लिए कि ये स्कूल में लेके जा सके। सो मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है, अब मुझे बस इसके लिए दो पूरियाँ बनानी है, दो तीन पूरियाँ, क्योंकि घर में पूरियाँ और कोई नहीं खाता, तो सिर्फ इसके लिए बनाएंगे। तो हेलो गाइस करेगी अब गोलू। बोलो हेलो गाइस, बोलो हेलो गाइस, ऐसे पूछो कैसे हो आप सब, कैसे हो आप सब, ऐसे बोलो मैं तो बहुत अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग भी बोल दो एक बार, बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये सो रही थी तो मैंने जस्ट अभी इसको उठाया है, तो चलो फिर फटाफट से ना मैं इसको नहला धुला देती हूँ और इसको रेडी कर लेते हैं, फिर आप लोगों से बात करूँगी। इसका लुक दिखाऊंगी मैं आज इसको क्या बना के भेजने वाली हूँ, क्योंकि ना मैंने इन लोगों के लिए रक्षाबंधन के लिए ड्रेस तो मंगाई हुई है ऑलरेडी, जो कि मैं इसको आज नहीं बना के भेजूंगी, क्योंकि फिर ये रक्षाबंधन वाले दिन क्या पहनेंगी जब हर्ष को राखी बांध देगी। तो मैंने ट्राई किया था पता है कि मैं इन दोनों की सेम ड्रेस मंगवाऊँ, मतलब ये दोनों ट्विनिंग करे, बट यार पता है क्या हुआ, वो तो ऑनलाइन ही होता है, मीशो तो मीशो है। मेरी मीशो से दोनों की ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई और मैंने मंगवाई, क्वालिटी वाइज इट वाज गुड। सो गाइस, गोलू रेडी हो गई है और ये गोलू की ड्रेस है, इसको ये वाली ड्रेस बनाई है आज मैंने, इसके लिए जो मंगाई थी वो आज नहीं बनाऊंगी, वो कल बनाऊंगी। और यहाँ पे देखो ये महाशय उठते ही, यहाँ पर मम्मी खा रही थी कुरकुरे तो इसको भी खाना है, इसको मिर्ची लग रही है और ये लो मामाम भी कर दी इसने। तो फिर इसके बाद मैंने गोलू को यहाँ पे बनाई है स्लीपर, एक्चुअली उसके पैर में थोड़ी सी चोट लगी है तो इसीलिए मैं इसको नीचे स्लीपर बना रही हूँ और बस मैं इसको ले आई हूँ इसके स्कूल स्कूटी पे। और यहाँ पे इसकी मैडम देखो इसको क्या कह रही है, लो बैग लेके जाओ, साइड फेस करके चल रही हो, बैग तो ले जाओ, से गुड मॉर्निंग टू मैम। गुड मॉर्निंग, बाय बाय, थैंक यू बोल दो, थैंक यू बाय। गोलू को स्कूल छोड़ने के बाद मैं निकल गई हूँ मार्केट के लिए गोलू के पापा के साथ, हमें था थोड़ा सा बैंक में काम और एक दो काम और थे मार्केट के, तो हम लोग ने सोचा कि पहले वो काम निपटा कर आते हैं। और ये देखो यार, राखी की पूरी तैयारियाँ होने शुरू हो चुकी है, बहुत सारे स्टॉल लग चुके हैं। घर आके देखा तो गोलू आ चुकी थी, पापा उसको ले आए थे और ये देखो राखी हर्षु के लिए बनाकर लेकर आई है, उसकी मैम ने बनवाया और हर्षु तो इसको फाड़ने के लिए बिल्कुल तत्पर हुआ जा रहा है। सो गाइस, अभी बजे हैं 2 और गोलू नहा धो के सो गई, मतलब आके खाना वाना खा के और वो सो गई है। मेरा मेकअप मैंने किया हुआ है क्योंकि मेकअप करना था थोड़ा शूट, और ये मेरा मेकअप देखो कैसे ग्रे ग्रे सब पड़ गया, ठीक है, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है इसको मतलब लगे हुए फेस पे, तो अब मैं इसको भी वॉश इट ऑफ कर लूँगी। और हर्षु यहाँ बैठा हुआ है और गोलू रही है सो। हाँ, गोलू आई थी आज, वो राखी बना के लाई है, मैंने आप लोगों को दिखा दिया, उस बीच में मैंने खाना वाना जो करना था सब कर लिया यार, और मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया लिटरली। और मेरे कमरे की हालत है कुछ ऐसी, आप लोग देख सकते हो, ये उधर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ना मेरे एसी से बहुत ज़्यादा पानी लीक हो रहा है, पता नहीं कहाँ से क्या हो रहा है, मुझे भी नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है। तो वो एसी वाला हमने बुलाया था तो वो चेक करके गया, तो वो बोल रहा है कि इसको उतार के लेकर जाना पड़ेगा और वो इसको उतार के ले जाएगा। सो गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे और ये हर्षु रेडी हो चुका है, आज है रक्षाबंधन। गाइस, हम लोगों ने ना कल कुछ भी शूट नहीं किया और मॉर्निंग में भी आज कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है, हम लोग कुछ ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करने वाले हैं, दोनों बच्चों की भी तबीयत ठीक नहीं है और मेरी भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो इसीलिए हम लोग जा भी नहीं रहे, मैं अपनी मम्मी के घर भी नहीं जा रही। और ये देखो हर्षु की ड्रेस तो आप लोगों ने देख ली और इसकी भी देख लो मैडम की,
ये अपना पूरा आउटफिट दिखा रही है आप लोगों को। देखो इतना हंस रहा है इसको देख के, गोलू को देख के, क्यों बावली हो रही है यार, क्यों बावली हो रही है अंशु बावली। ओ पंडित जी, पंडित है रे, राखी का मुहूर्त कद का है। और यहाँ हनी बनी आ गए थे राखी बांधने के लिए। एक्चुअली दीपक और भैया तो दोनों थे नहीं, तो इन्होंने हर्षु को और गोलू को और मुझे ही राखी बांध दी। सो यहाँ पर ये लोग हर्षु को टिक्का लगा रहे हैं और हर्षु देखो कैसे मतलब बैठा है, और गोलू तो पीछे रोई जा रही है, वो डर रही थी बहुत ज़्यादा। और हर्षु भी लाइक, हर्षु की ये सेकेंड राखी है, पहले तो वो काफ़ी छोटा था बट अब तो इसको थोड़ा बहुत समझने लग गया। तो ये देखो कैसे मतलब देख रहा है, हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है। और गोलू तो अभी भी हर चीज़ से डर रही है, इसको ज़बरदस्ती हर चीज़ के लिए लेकर आना पड़ रहा है, ये फिर भी डर रही है। और इसने अपनी ड्रेस की बद्दी भी तोड़ ली है और यहाँ हन्नी कर रही है हर्षु की आरती। और उसके बाद ये देखो दोनों के दोनों कैसे मस्ती कर रहे हैं, और गोलू तो बिल्कुल ही मतलब ऐसे डर डर के, जैसे पता नहीं उसको कोई खा जाएगा इस तरीके से कर रहे हैं। और हर्षु इतना एक्साइटेड होकर राखी बंधवा रहा है ना बहुत ज़्यादा। और फिर इन लोगों ने मेरे को भी राखी बांध दी है और मेरे को भी तिलक विलक लगा दिया, और गोलू मेरे पीछे छुपी हुई है कहीं ये इसको कुछ ना कर दे, बस उसको तो डर लग रहा है। बट फिर फाइनली हनी ने एक आइडिया निकाला कि हम ये आइडिया से इसको राखी बांध देते हैं। और आइडिया है ये कि उसने अब चॉकलेट का पूरा डब्बा निकालने की ठानी है, उसने सारी चॉकलेट्स निकाल के गोलू को दे दी है ताकि गोलू खा सके और वो राखी भी बंधवा ले। ये सारी चॉकलेट्स निकाल के दे दिया और गोलू उनको देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगी, तो उसने फाइनली राखी बंधवाने का डिसाइड किया। और यहाँ हनी उसको ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के राखी बांध रही है, बट वो बिल्कुल भी नहीं बंधवाना चाहती। पता नहीं क्यों मेरा बच्चा इन चीज़ों से डरता है यार, सबके बच्चे इस चीज़ को इंजॉय करते हैं और मेरा बच्चा इन चीज़ों से डर रहा है, मुझे समझ नहीं आता क्यों। बट स्टिल कोई बात नहीं, लास्ट में उसने बंधवा लिया। और एक बार देखने के बाद ये देखो हर्षु के हाथ पे कितनी सारी राखियाँ हैं। गोलू भी सीख गई थी ये सारी चीज़ें कि उसको ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना है। तो फिर उसके बाद क्योंकि अभी उसको हर्षु को भी तो बांधना है, और यहाँ पे हर्षु देखो, हर्षु ना इस दिए को सोच रहा था कि हैप्पी बर्थडे करना है, फूंक मार के मतलब ऐसे कर रहा था, इतनी हंसी भी आ रही थी मुझे। और आप लोग देख सकते हो हर्षु वॉज एंजॉइंग सो मच। और हर्षु का फाइनल लुक मैंने अभी तक नहीं दिखाया था, तो वो कुछ इस तरीके का लग रहा था, आप लोग देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आ गई गोलू, मम्मी की चंपी कर रही है और कह रही है लाओ मेरे को तेल दे दो, मैं आपकी चंपी कर देती हूँ। गोलू ने मम्मी की चंपी कर दी, मम्मी के मुँह पर पाउडर लगा दिया, मम्मी को पूरा रेडी कर दिया है। चलो माँ जी अब राखी सेलिब्रेट करते हैं, मैंने तो आपको रेडी कर ही दिया है। तो उसके बाद गोलू आ गया हर्षु का तिलक करने के लिए, हर्षु को तिलक लगाया, चावल लगाया, उसको राखी बांधी काला चश्मा वाली, और इसके बाद उसको खिलाने वाली है चॉकलेट। और हर्षु तो पहले ही खुद ही खा गया चॉकलेट, तो वो इंटरेस्टेड ही नहीं था। तो उसके बाद उसने अपने ताऊजी को राखी बांधी, दादू को पहले बांध चुकी थी जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और अब ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, तो ये सब कुछ खुद ही करने की ट्राई कर रही थी, तिलक विलक चावल वावल खुद ही लगाई थी। आडा टेढ़ा पर कोई बात नहीं, बच्चा है सीख रहा है तो चल जाता है ऐसे ही। और इसने तिलक भी लगा दिया, चावल भी लगा दिया, और इसके बाद फटाफट से ये बांधने की अब अपने ताऊजी को राखी, उसके बाद क्योंकि उसको अपने पापा को भी बांधनी है, हमारे पापा को वो ऑलरेडी बांध चुकी है। तो फटाफट से मैं इससे राखी बंधवा देती हूँ भैया को, क्योंकि इसको नॉट लगानी तो आएगी नहीं। उसके बाद इसने चॉकलेट खिलाई अपने ताऊजी को, चॉकलेट खिलाने के बाद फिर आ गई अपने पापा को तिलक करवाने। यहाँ मम्मी इससे बंधवा रही है राखी, क्योंकि इसको अभी आता नहीं, वो काफ़ी छोटी है यार, वो अभी 3 ईयर्स की भी नहीं हुई है स्टिल। सो दैट्स वाई मम्मी या मैं उसकी हेल्प कर ही रहे थे। तो फटाफट से यहाँ पर मम्मी उससे तिलक लगवा रही है, चावल लगवा रही है, सारी चीज़ें कर रही है, और गोलू के पापा बिल्कुल आराम से कर रहे हैं। और ये अपनी राखी बांधने के बाद जो हनी बनी है वो इसको राखी देकर गई थी, क्योंकि वो बाहर जाना था, उन लोगों को अपने भी मामा के घर जाना था राखी बांधने के लिए, और स्टिल दीपक को आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, तो वो राखी दे गई थी। तो गोलू फिर उनकी राखी भी बांधेगी। तो अब गोलू ने अपनी राखी तो बांध दी है और हर्षु को तो पहले ही बांध दिया, और वो अपनी चॉकलेट इंजॉय कर रहा था। और यहाँ पे मम्मी को ही बांधनी पड़ रही है, और गोलू चाहती है कि वो पहले चॉकलेट ही खा ले या तो फिर खिला ले, बट फिर भी हमें राखी का शगुन तो करवाना ही था, जो कि हमने करवा दिया उससे। और उसके बाद यहाँ पे मम्मी उसको चॉकलेट तोड़ के दे रही है कि अब ये खिलाओ पापा को, और उसने खिला दी। जब उसके पापा उसको खिलाने लगे तो वो भी उसने अपने पापा को ही खिला दी। वो बहुत स्मार्ट होती है। राखी बांध रही हूँ, बोलो इधर करके ना, तो बुआ ऐसे कहते बन्नी बुआ आपकी राखी पे बांध रही हूँ। हाँ बांध दे, बांध दे। यहाँ पर मम्मी अब हाथ लगवा के गोलू का और हनी बनी वाली राखी भी गोलू के पापा को और इसके ताऊजी को बंधवा देगी फटाफट से।
यहाँ पे भैया को भी राखी मम्मी ने बांध दी है और बस दैट्स इट। सो गाइज दिस इज द नेक्स्ट डे और आज मॉर्निंग में मैं एंडिंग कर रही हूँ उस ब्लॉग की। एक्चुअली कल ना रात को ना मतलब राखी सेलिब्रेट करते करते 11-12 बज गए थे, तो उसके बाद मैंने कुछ भी लिटरली शूट नहीं करा। सेलिब्रेशन तो क्या, हमने घर में ही थोड़ा सा सेलिब्रेशन किया क्योंकि मेरे को कफ कोल्ड हल्का फुल्का फीवर भी है, गोलू को भी और हर्षू को भी, दोनों को कफ कोल्ड हो रखा है। सो इसी वजह से हम लोग कहीं गए भी नहीं, मैं अपनी मम्मी के घर भी नहीं गई। इस बार मैंने राखी सेलिब्रेट नहीं की अपने भाई के साथ, बट कोई बात नहीं, मैंने उसकी राखी लेके रखी है। जब भी मैं नेक्स्ट उससे मिलूंगी, जब भी वो मेरे पास आएगा या मैं उसके पास जाऊंगी, तो मैं अपनी राखी उसको पक्का से बांधूंगी। मेरे को बहुत अच्छे से मतलब मैं उसकी राखी लेके रखी हुई है, ठीक है, तो मैं उसको उस टाइम पे राखी बांध दूंगी। तो चलिए फिर इस व्लॉग को ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचते, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट होती है दी, बहुत ज़्यादा लंबे व्लॉग्स होते हैं या बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोज़ होती है तो हम पूरा नहीं देख पाते। आप प्लीज़ ट्राई करो कि आप थोड़े छोटे व्लॉग बनाओ या छोटी वीडियोज़ बनाओ। सो आई स्टिल ट्राई कि मैं थोड़ी छोटी वीडियोज़ बनाऊँ और छोटे व्लॉग्स बनाऊँ। बस मैं अभी रेस्ट ही कर रही थी, तो मैं फटाफट से इस व्लॉग को एंड करते हैं यहीं से। आपसे मिलूंगी जल्दी नेक्स्ट एक बढ़िया से व्लॉग में या वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, कॉमेंट करके बताना वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा। जय श्री श्याम।